बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना का 2.0 वर्जन सामने आया, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में थी। लेकिन उद्धव की इस नई शिवसेना को बाल ठाकरे के ही एक शिष्य ने अपने कब्जे में ले लिया। दिलचस्प ये कि एकनाथ शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है और वो साल 2000 में राजनीति से संन्यास लेने का मन बना चुके थे। पिछले 57 साल में ठाकरे परिवार ने शिवसेना को संभालते हुए झटके तो कई बार खाए थे, लेकिन शिंदे की नई शिवसेना बाला साहेब का नाम जपते हुए ठाकरे परिवार की राजनीतिक बलि लेने पर आमादा है। ये सलामी एक ऐसे शख्स को थी जिसने न कभी कोई चुनाव लड़ा न किसी पद को स्वीकार किया। उन्हें जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाला कहा गया तो उन्होंने खुद डंके की चोट पर कहा, हाँ मैं रिमोट कंट्रोल हूँ। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। वो दिन 17 नवंबर 2012 का था। बाला साहेब काफी दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी मौत की खबर शिव सैनिकों के लिए, मुंबई के लिए, दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए किसी झटके की तरह आई। मुंबई थम गई। मातोश्री से शिवाजी पार्क की दूरी अमूमन 20 मिनट में तय होती है, लेकिन बाला साहेब की अंतिम यात्रा निकली तो उसे शिवाजी पार्क पहुंचने में 7 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। नेता, अभिनेता, प्रशंसकों के अलावा हजारों लोग उस वक्त उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़े थे। हमें आज बाला साहब को खोना पड़ा है। बाला साहब का जाना जैसे युग की विदाई। वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है, और उनके तमाम परिवार के लिए, परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं। लेकिन बाला साहेब की मौत शिवसेना की कहानी का वो घुमावदार मोड़ था जहां से आगे की राह आसान बनाने का सबक उद्धव ने शायद नहीं सीखा था। जब सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई तो शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। ये बात महाराष्ट्र में कोर हिंदुत्व समर्थक वोटर को नागवार गुजरी। बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। चुनाव में 122 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की बड़े भाई की हैसियत खत्म हो गई। नतीजों के बाद हालांकि सरकार इन्हीं दोनों पार्टियों की बनी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार शिवसेना का कद बीजेपी से छोटा हो गया। शपथ ग्रहण से इन पहले अमित शाह ने उद्धव को निमंत्रित किया और जिस बुझे मन से उद्धव ने कार्यक्रम में शिरकत की थी वो बता रहा था कि उद्धव बेहद निराश है। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर शाख से शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। 2019 में शिवसेना की कहानी फिर उसी मोड़ पर आ पहुंची जहां से मनमुटाव शुरू हुआ था, यानी चुनाव के दर पर। इस बार दोनों पार्टियों ने 7 चुनाव लड़ा, बीजेपी को 105 तो वहीं उद्धव की अगुवाई में शिवसेना को 56 सीटें मिली। लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी और शिवसेना का ढाई ढाई साल तक का सीएम बनाने की मांग पर अड़ गए। यहीं से उद्धव के बीजेपी से रिश्ते खराब होते चले। उद्धव न सिर्फ बीजेपी से अलग हुए बल्कि ऐसा फैसला कर लिया जो शिवसेना की विचारधारा से किसी भी सूरत में मेल नहीं खाता था। उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सूबे में महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली और नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव के फैसले से एक तरफ
शिवसेना के भीतर कुछ लोग नाखुश थे तो बीजेपी भी ऐसा मौका खोजने लगी कि उद्धव को सबक सिखाया जाए। बीजेपी को यह मौका दिया एकनाथ शिंदे ने। मुंबई में जिन दिनों ये फिल्मी गाना गूंज रहा था, लगभग उन्हीं दिनों थाने में एकनाथ शिंदे भी ऑटो चलाते थे। एक बार पड़ोसी की जिंदगी बचाई थी उन्होंने अपने ऑटो में, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। लेकिन थाने के ठाकरे के नाम से मशहूर एकनाथ शिंदे ने चलती शिवसेना को अपने दांव से ऐसा ब्रेक लगाया कि सियासी बिसात पर उद्धव उछल कर गिर पड़े। एकनाथ शिंदे बागी हो चुके थे। वो कई विधायकों के साथ पहले तो सूरत फिर गुवाहाटी जा पहुंचे। उद्धव कभी चेताते रहे तो कभी पुचकारते नजर आए। शिंदे बागी क्यों हुए इसकी भी कहानी है। दरअसल शिंदे का आरोप था कि उनके लिए फैसलों पर सीएम उद्धव ठाकरे रोक लगा देते थे, उनके विभागों की फाइलें भी रुकवा दी जाती थी, उनकी पसंद की नियुक्तियां भी नहीं होने देंगे। उद्धव को देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की दोस्ती भी पसंद नहीं थी। शिंदे के गुरु आनंद दीघे के जीवन पर बनी मराठी फिल्म धर्मवीर की स्क्रीनिंग के दौरान भी एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच खटास दिखी। जब बीच फिल्म से उद्धव चले गए, हालांकि उद्धव ने कहा कि दीघे उन्हें इतने पसंद थे कि वो फिल्म में भी उनकी मौत होते नहीं देख पाए। लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव फिल्म में ठाणे की गलियों में कभी ऑटो चलाने वाले शिंदे के प्रमोशन से नाखुश थे। बहरहाल एकनाथ शिंदे ने जोर का झटका जोर से दिया। उधर अमित शाह की स्ट्रेटजी भी काम कर रही थी। मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस, जो सत्ता पलटने के खेल के माहिर खिलाड़ी के रूप में दिखे थे, वो बैकफुट पर हो गए। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने आखिरकार एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सत्ता संभाली। बाला साहेब का नाम लेकर उन्होंने न केवल कई शिव सैनिकों के साथ बल्कि बाला साहेब की हर विरासत पर कब्जे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।